और तुम सबको सुन। और मैं सोच रही हूँ मैं ब्लॉग्स बनाने लगूँ यार। बूटी आंटी ये क्या होता है? और वो बदतमीज लोग होते हैं ना जो हाथ में मोबाइल लेके बोलते हैं हेलो मोटी भाई। आंटी मुझे करके दिखाओ जल्दी। और पहले तो मेरे को मोटी आंटी मत बोल वरना कान के नीचे दूंगी। मोटी को मोटी बोलेंगे। चुप रहो जल्दी दिखाओ। और हाँ हाँ मैं तेरे को करके दिखाती हूँ। ये देख ऐसे कैमरा पकड़ते हैं हेलो भाई मेरा नाम है रॉक्सी और मैं एकदम चौकसी। और खरगोश ओ भाई मत घुस यार कैमरे में। मोटी आंटी मेरे को भी कैमरे में लाओ। और निकल पहली फुर्सत में। अबे यार मैं नहीं बना रही ब्लॉग मजा नहीं आ रहा यार बंद करो। खरगोश ने तेरे हाथ में से छीन लिया यार कितना बड़ा बदतमीज है। ओबे मेरे को दे यार अब आएगा मजा। ओबे मजा आ गया यार अब खा लूंगी सारा। मेरे को और दो। ओबे यार इस बदतमीज को उठाते हैं सुबह हो गई अब तक सो रहा है। ओबे खड़ा हो जल्दी। ओबे कुंभकर्ण खड़ा हो जाए तो कान के नीचे दूंगी। अबे सोने दे यार। मोटी आंटी पापा को मत उठाओ वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ओबे पूरी रात जगता है दिन में सोता है बदतमीज है ये कंबल। मोटी आंटी पापा मारेंगे आपको। अभी पकड़ती हूं उसे। खड़ा हो रहा है नहीं मैं ऊपर आ जाऊंगी। ओबे जब ऊपर आई कंबल खींच इसका खरगोश कंबल खींच इसका पकड़ के। मोटी आंटी मत करो और अच्छे से खींच। और ये यार मैं भी खींचती हूँ। एक काम करती हूँ इसको ऊपर बैठ जाती हूँ ये ले यहीं पा दूंगी अब। और मैं तेरी पप्पी लूंगी अभी रुक जा अभी रुक जा तू मत खड़ा। ये ले ली। और ये कौन ले लूंगी बताई। और कंबल खींच इस बदतमीज का। और खींच खरगोश। मोटी आंटी कंबल छोड़ दो। और लंबा खींच। मोटी आंटी पापा मारेंगे आपको। और मैं नहीं छोड़ूंगी। मोटी आंटी आके मारेंगे आपको मैं बोल रही हूँ छोड़ दो कंबल को। अब आया ना मजा। तुम सोलो लो यार तुम लोग सोने नहीं देते। आज संडे है तो मेरे को तो बॉन चाहिए वो कैल्शियम वाली ममस खाऊंगी। मन हो रहा है जल्दी दे बदतमीज। अब क्या हो गया यार। और वो कैल्शियम बॉन दे मेरे को भी खानी है। कौन सी बॉन? अबे वो जो खाते हैं ना कट कट करके आवाज आती है बहुत मस्त लगती है। तेरे पास कोई बॉन नहीं है और मैं पार्टी करने जा रहा हूँ ठीक है। मम्मी से बोलूंगी लड़कियों के साथ घूम रहा है अभी जा रही हूँ। तेरे को जो कहना है क्या मैं जा रहा हूँ भाई। कितना बदतमीज है यार इससे ज्यादा बदतमीज आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मोटी आंटी आपने पापा को भगा दिया अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। और तेरा पापा ये नंबर का बदतमीज अब देख मैं क्या करती हूँ मैं सारा बदला ले लूंगी पूरा घर उखाड़ के फेंक दूंगी। मोटी आंटी अब ये नंबर के बदतमीज ऐसा मत करो। और खरगोश अब मुझे गुस्सा आ गया मुझे कोई नहीं रोक सकता आजा तू भी मेरे साथ आ। मैं रोकूंगी आपको छोड़ दूंगा। अब कुछ भी नहीं छोड़ूंगी सब उखाड़ के फेंक दूंगी। मोटी आंटी ऐसा मत करो प्लीज। और तकिया दे तकिया दे। मोटी आंटी दो। क्या यार इतनी देर हो गई ये क्या हो गया ये क्या कर दिया सबने। मोटी आंटी ने सब खराब कर दिया। और मैंने नहीं करा खरगोश ने कराया। इसको देखो इसको देखो और इसको देखो और ये इसको देख रहे हैं वो ऐसे आ रही है राम राम जैसे मारी देगी। देख रहे हो कुछ नहीं कर रही है वो बस ऐसे ड्रामे कर रही है। देख रहे हो कैसे आ रही है करना कुछ नहीं है इसे बस ड्रामे करने हैं। ये देखो कैसे खुश हो रहा है। हाँ कुछ नहीं करना इसे रॉक्सी मेरे को पता है ये बस ऐसे ही ड्रामे कर रही है। चीनी को ओ चीनी भाग गया वो भाग गया। रॉक्सी धराओ चलो कुछ नहीं होगा भैया रॉक्सी से रॉक्सी बेकार है। अब आज के टाइम पे काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं और काफी लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है उनके डॉग के जो हेयर फॉल हो रहे हैं और जो टिक्स की प्रॉब्लम है वो ज्यादातर आज के टाइम पे बढ़ती ही जा रही है। ये बोल्ट्स का एंटीटिक शैम्पू फॉर डॉग्स एंड कैट्स 200 ml ये एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है तुलसी और नीम के। मैंने ये अपने डॉग्स पे भी ट्राई करा है। ये अच्छे शैम्पू यूज करने से आपके डॉग को कभी भी टिक नहीं होंगे और उसकी जो हेयर की ग्रोथ है वो अच्छी होगी हेयर फॉल नहीं होगा और स्किन में बहुत सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा अच्छा सा शैम्पू तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये। तो मेक श्योर आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें ये एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मेक श्योर चेकआउट करना ना भूलें। थैंक यू। ये है हमारा ओपी खरगोश। ओपी खरगोश कैसे देख रहा है मुझे।